सोलन में 10 फरवरी को एक व्यापारी की गाड़ी पर हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर हमला हरियाणा की गैंग ने किया था। हमला कर गैंग के सदस्य मौके से फरार हो गए थे, लेकिन सोलन की मुस्तैद पुलिस ने इन हमलावरों में से दो लोगों को परमाणु से उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कुछ सदस्य भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सोलन पुलिस ने उन्हें भी धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। सोलन में 10 फरवरी को एक व्यापारी की गाड़ी पर हमला कर हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस ने दो हमलावरों को उसी दिन परवाणु से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में अब दो और लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गाड़ी पर कुल्हाड़ी से वार कर हमलावर मौके से फरार हो गए थे। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों को उसी दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें एक बार फिर से 5 दिनों का रिमांड मिला है। वहीं दो और सदस्यों को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों सदस्य हरियाणा जींद के हैं, जिनके नाम बुट्टा सिंह और सोहन लाल है। शिव कुमार शर्मा ने कहा कि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि इस गैंग ने व्यापारी की कार पर हमला क्यों किया था। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान इसका खुलासा होगा। 10 तारीख को जो यहाँ पे सप्रून की चौकी की जुरिसडिक्शन में एक इंसिडेंस हुआ था, जिसमें एक मिस्टर गीतेश कायत हैं, जो कि राजकुमार मित्तल जी की गाड़ी में ड्राइविंग करते हैं। उन्होंने पुलिस के पास बयान दर्ज करवाया था कि जब उसमें गाड़ी में मित्तल जी की डॉटर इन लॉ बैठी थी, तो किन्हीं अननोन व्यक्तियों ने आगे गाड़ी लगा के उस गाड़ी के शीशे पे कुल्हाड़ी से हमला किया। इस पे पुलिस ने 307 और 342 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की थी, और इसमें उस दिन तुरंत कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम सुखदीप और गुरमीत हैं। इनको पुलिस रिमांड पे ये चल रहे थे, आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां से 5 दिन का इनका और रिमांड लिया गया है। इसके अलावा पिछले कल इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए दो लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जिनका नाम बूटा सिंह, जो कि जींद का रहने वाला है, और सोहन लाल अलायस सोनू, जो वो भी जींद का रहने वाला है, ये 31 ईयर्स ओल्ड है। इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फर्दर इनको जो है पुलिस रिमांड पे लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। इनसे जो इनको मनी माजरा पंचकुला से डिटेन किया गया है और वहां से लाके इनको गिरफ्तार किया गया था, जो दो व्यक्ति पिछले कल गिरफ्तार किए गए हैं, और जो पुराने लोग हैं उनके पूछताछ पे ही और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ही इन लोगों को, इनके खिलाफ एविडेंस आने पे इनको गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इसमें हर पहलू पे जांच जारी है और ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे है कि ये क्यों हमला हुआ है, इसके बारे में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।